ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आइए बात करते हैं बिहार स्पेशल की, और बिहार स्पेशल का मैंने सिलेबस यहाँ लिख चुका हूँ, तो आपको देखिए रूबरू करा देता हूँ थोड़ा सा। पहले नंबर पे आता है बिहार का परिचय, यानी यू नो अबाउट बिहार। बिहार में क्या है, कैसे है, इसके दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। उसके बाद हम बिहार की जनगणना पढ़ेंगे। जनगणना में हम देखेंगे लिंगानुपात कहाँ ज़्यादा है, लिटरेसी रेट कहाँ ज़्यादा है, और ये सब तमाम तरह की जो डाटा है 2011 के वो पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि 2011 का डाटा ही अभी हमको पढ़ना है, क्योंकि हर नियमित 10 साल के बाद जनगणना होता है और जनगणना अभी इस बार नहीं हो पाया। वैसे तो हम देखिए 11 से 21 में जनगणना हो जाना चाहिए 10 साल बाद, लेकिन कोरोना के चलते हमारा जनगणना नहीं हो पाया, जो डिले हो चुका है 2 साल तक। तो देखिए लेटेस्ट जनगणना अभी चल रहा है, तो जब तक नया वाला सेंसस नहीं आ जाता तब तक हम 2011 की जनगणना को ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। उसके बाद बिहार का इतिहास हम देखेंगे, बिहार में कौन कौन सा वंश आया, कौन कौन सा साम्राज्य रहा, बुद्ध जैन, ये सब देखेंगे हम। उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, बिहार का क्या क्या फेमस आर्ट एंड कल्चर है। फिर उसके बाद बिहार का भूगोल देखेंगे, नदियाँ नाले पहाड़ और कितने नदियाँ हैं, कौन सा बिहार का सौरव है यानी बिहार का शोक कौन सा है। फिर उसके बाद हम बिहार की अर्थव्यवस्था देखेंगे, बिहार कैसे काम करता है अपने अर्थव्यवस्था में, और कैसे कैसे पिछले 2-3 सालों से आप देखेंगे लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कि बिहार लगातार पूरे भारत में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला, यानी फास्टेस्ट ग्रोथ रेट इसी का है, बिहार का ही, और उसका भी मैं रीज़न बताऊँगा ऐसा क्यों है। फिर उसके बाद बिहार बजट देखेंगे, फिर हम बिहार का इकोनॉमी सर्वे, इधर से ध्यान दिखिएगा, बिहार का इकोनॉमी सर्वे पढ़ेंगे यानी आर्थिक समीक्षा, और बिहार का सामाजिक घटना यानी करेंट अफेयर्स ऑफ बिहार, और बाकी जो कुछ बच जाएगा वो हम बिहार मिसलेनियस यानी बिहार विविध में पढ़ लेंगे। तो ये कुछ ओवरऑल सिलेबस है, अगर इतना आप कर लेते हो मेरे हिसाब से तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटने वाला। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या कहीं नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं अब बिहार के परिचय से। तो हेलो दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो आइए देखते हैं बिहार सामान्य ज्ञान में। राजकीय फूल जो हैगा मैरीगोल्ड होगा यानी गेंदा का फूल, और जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल जो फ्लावर है वो क्या है, कमल है अपना, तो इसका जो बिहार का होगा वो गेंदा होगा यानी मैरीगोल्ड होगा। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, जिसके नीचे बैठ कर बुद्ध को क्या हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वही वाला बोधि वृक्ष जो कहाँ है, बोधगया में है। राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है अपना। राजकीय पशु बैल है, और राजकीय मछली देसी मांगूर है, जो काला वाला दिखता ना आपको मिलता होगा मार्केट में, मिलता है बहुत इजीली अवेलेबल है ये, तो देसी मांगूर वो वाला जो है ना, जो हाइब्रिड है, मतलब जो मिलता है वो हाइब्रिड है शायद, आई थिंक। और जो गांव में होता है ना, पौंड में या किसी तालाब में, तो वहाँ पर होता है जो देसी वाला, छोटा होता है वो। राजकीय पक्षी गौरैया है, गौरैया स्पैरो, जो कि अब हमारे टावर की वजह से और हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से धीरे धीरे गौरैया कम दिखती हैं, स्पैरो कम दिखती हैं, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। खैर अब क्या करें, टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक मैंने ओवरव्यू आपको दिया कि ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ देता है कभी कभी, जैसे कि बिहार पुलिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार पीसीएस में भी कभी कभी, बिहार में भी वो पीसीएस के एग्ज़ाम में भी यानी बिहार बीपीएससी में भी हो सकता है आ जाए। तो चलिए अब आगे चलते हैं, तो स्थापना की तरफ बढ़ते हैं कि स्थापना कब हुआ बिहार का। ओके दोस्तों, तो आइए बिहार स्थापना के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। और स्थापना में स्टेप 4 में ये हुआ है, जैसे हम लोग तो ऐसे पढ़ लेते हैं कि बिहार का स्थापना 22 मार्च को हुआ है, और थोड़ा सा डिटेल और पढ़ते हैं तो 22 मार्च 1912 को हुआ है, बट हम उसको समझ नहीं पाते हैं कैसे हुआ है, एग्जैक्टली शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी, तो ये बात हम आज देख लेते हैं, क्योंकि स्थापना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिहार का स्थापना में देखिएगा स्टेप 1 में क्या हुआ। देखिए स्टेप 1 में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, और दिल्ली दरबार में ही यह निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल 1912 को पृथक प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई, यानी 1 अप्रैल 1912 को पृथक प्रांत के रूप में बिहार आ गया। उसके बाद एक घोषणा कर दी गई, और घोषणा से पहले क्या हुआ था,
22 मार्च को ही ये घोषणा हो चुका था कि बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हो गई थी, यानी अनाउंसमेंट किया गया 1 अप्रैल 1912 को, लेकिन जो ये इस पे बात बन गई थी कि 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित, यानी यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, बिहार शब्द है इम्पोर्टेंट, यानी सबसे पहले अगर बिहार कहीं जिक्र हुआ तो वो दिन था 22 मार्च 1912, और इसीलिए इसी दिन के वजह से हम 22 मार्च 1912 को ही मानकर बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा कि 22 मार्च 1912 को बिहार सबसे पहले न्यूज़ में आया, यानी सबसे पहले, या पेपर पे कह लीजिए या ज़ुबान पे कह लीजिए, सबसे पहले 22 मार्च को ही आया था। उस समय बिहार अकेले नहीं था, बिहार के साथ उड़ीसा भी था, उड़ीसा सहित, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है उड़ीसा सहित प्रांत के रूप में, एक पृथक प्रांत के रूप में अस्तित्व में आ गया। स्टेप 4 में आते हैं तो यहीं पे इसीलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसके बाद बिहार और दो टुकड़ों में टूटेगा और बिहार से उड़ीसा अलग होगा 1936 में, और फिर बिहार झारखंड के रूप में टूटेगा सन 2000 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि बिहार का स्थापना, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको इतनी बातें, मतलब पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो आपको पता होनी चाहिए कि बिहार कैसे कैसे 22 मार्च तक पहुंचा है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता है, पूछेगा बिहार स्थापना दिवस, बिहार का स्थापना दिवस कब है, तो हो सकता है ऑप्शन में 1 अप्रैल 1912 भी दिया हो और 1 अप्रैल 1911 भी दे दिया हो कन्फ्यूज़ करने के लिए, और 22 मार्च 1912 भी दिया हो। तो आपकी बुक में स्थापना जहाँ भी आप पढ़े होंगे ये सारी चीज़ें दी हुई होंगी, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं कि और दो भाग में जब बिहार अस्तित्व में टूटा है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ओके दोस्तों, तो देखिए आगे देखते हैं कि 1 अप्रैल 1936 को, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा के साथ पृथक हो गया, मतलब 1 अप्रैल 1936 को बिहार से कौन अलग हो गया, उड़ीसा सेपरेट हो गया, यानी उड़ीसा अलग हो गया। अब बिहार इकलौता ही बच गया था, यानी बिहार अब अकेले ही था, बट फिर एक और विभाजन हुआ बिहार के अंदर, और बिहार जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से, बिहार के दक्षिणी भाग में के 46% भूभाग को, यानी 46% भूभाग को पृथक करके भारत के 28वें राज्य के रूप में किसे बनाया गया, झारखंड को बनाया गया। तो झारखंड कब अस्तित्व में आया है, 2000 में अस्तित्व में आया है। तो आप, आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि आप स्थापना को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके दे दूँ। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है ग्रुप अकेडमी में। तो देखिए, सबसे पहले तो ग्रोनअप एकेडमी में अभी सुबह मॉर्निंग में SSCZD का बैच चल रहा है, जिसका टाइमिंग होगा 6 से 9 बजे, जिसमें 6 से 8 आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद 8 से 9 आपको GK एंड GS पढ़ाया जा रहा है। और अभी मैथ में 2-3 चैप्टर हुए हैं, और GK और GS में अभी मुग़ल साम्राज्य शुरू हुआ है, और ये भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है। तो अगर आपको आना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक तो बात होगी SSCZD की बैच की, और ये कंटिन्यू चल रहा है, तो आप जिनको भी SSCZD का तैयारी करना हो तो वो जुड़ सकते हैं हमारे ग्रोनअप एकेडमी से। और दूसरी बात ये है अभी रिसेंटली SSC के तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये बात मेंशन थी कि 50,000 प्लस वैकेंसी अब की बार आपको देखने को मिलेगा। तो देर ना करते हुए, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि 24 नवंबर को इसका फॉर्म आपको आ जाएगा और 28 दिसंबर तक आप इसको भर सकते हैं। तो देर ना करते हुए आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा बैच जो है अभी 8 से 12 रनिंग बैच है हमारा, 8 से 12 बिहार पुलिस
पुलिस का बैच चल रहा है जिसमें अभी प्रैक्टिस हो रहा है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। एक देख लीजिएगा 8 से 12 है और ये बैच चल रहा है बिहार पुलिस का। और एक बैच हम लोगों ने शाम को यानी शाम के टाइम में शुरू किया, जनरल कंपटीशन का बैच है और इसमें इसका टाइमिंग होगा 2 से 5, ठीक है, जिसमें 2 बजे से शुरू होगा, 3:30 तक GS चलेगा और उसके बाद 3:30 से 5 तक मैथ और रीजनिंग चलेगा, मैथ प्लस रीजनिंग। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं यानी 2 बजे शाम से लेके 5 बजे तक। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे गुरुनानक एकेडमी का जो चल रहा है अभी प्रोग्राम, इनमें से जिसमें आपको इनरोल करना है आप इनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में और फिर हम बिहार को और आगे लेके चलेंगे।